हेलो चिल्ड्रेन, आप पिछले मैथ क्लास में मैं क्लास UKG को वीडवी नंबर पढ़ाई थी और आप लोग को कुछ वर्क भी दी थी। तो देखिए, मैं यहाँ पे वो वर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ और आप लोग मिला सकते हैं। 5 और 7 का बिटवीन नंबर 6, 9 और 11 का बिटवीन नंबर 10, 12 और 14 का बिटवीन नंबर 13, 16 और 18 का बिटवीन नंबर 17, 8 और 10 का बिटवीन नंबर 9, 19 और 21 का बिटवीन नंबर क्या होगा 20, एंड 1, 5, 15, 1, 7, 17 का बिटवीन नंबर क्या होगा 1, 6, 16। तो इस तरह आप लोग मिला लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को मैथ में आपके बुक से बताने जा रही हूँ। दिस इज़ योर मैथ बुक फॉर UKG। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर मैथ बुक में आपका देखेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना, तुलना करना है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ लिखा हुआ है बिग एंड बिग स्मॉल, मतलब बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। मैच द पिक्चर्स टू द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे एक बॉक्स में बिग लिखा हुआ और एक बॉक्स में स्मॉल लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाथी का पिक्चर, एलिफेंट का पिक्चर है और यहाँ पे एक रैबिट का पिक्चर है। तो इन दोनों को हमें मैच करना है। बिग मीन्स में मैं अभी बताई कि बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। और स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। तो आप इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं, इन दोनों पिक्चर में क्या दिख रहा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। एलिफेंट बहुत बड़ा होता है और यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है एलिफेंट बड़ा है और रैबिट क्या दिख रहा है? छोटा है। तो एलिफेंट को बिग से मैच कर देंगे और रैबिट को स्मॉल से मैच कर देंगे। ओके, बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। और स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। तो एलिफेंट को बिग से मैच करेंगे और रैबिट को स्मॉल से मैच करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड टॉपिक में, नॉट क्वेश्चन। टॉल शॉर्ट, टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा। टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा। और शॉर्ट मीन्स क्या होता है? छोटा। टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के अनुसार टॉल और शॉर्ट का कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक डॉग का पिक्चर है और एक जिराफ। ये जिराफ का पिक्चर है, जिराफ जिसकी गर्दन बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉक्सेस बने हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में लिखा हुआ है टॉल, एक बॉक्स में लिखा हुआ है शॉर्ट। तो हमें इस पिक्चर में दिख रहा है कौन? टॉल मीन्स मैं अभी बताई लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। तो टॉल कौन है? जिराफ। तो जिराफ को टॉल से मैच कर देंगे। और शॉर्ट कौन है? पपी, डॉग। यहाँ पे जो पपी दिख रहा है वो क्या है? शॉर्ट है। तो उसको शॉर्ट से मैच करेंगे। इट्स मीन टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। जैसे कि UKG के बच्चे अपने पापा से खुद को कंपेयर करेंगे तो पापा क्या हो जाएंगे? टॉल, और आप क्या हो जाओगे? शॉर्ट। तो आई थिंक आप लोग टॉल और शॉर्ट का मतलब समझ चुके होंगे। थर्ड टॉपिक में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी एंड लाइट। हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी और लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। कभी भी कोई चीज़ उठाते हैं ना तो बच्चे कहते हैं मम्मा ये बहुत भारी है। तो भारी, हैवी का मतलब क्या होता है? भारी। और लाइट का मतलब हल्का। तो यहाँ पे देखेंगे दो पिक्चर्स बने हैं, एक बॉक्स है और एक शॉर्पनर है। दिस इज शॉर्पनर। तो शॉर्पनर और बॉक्स में कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे हम लोग। तो बॉक्स तो थोड़ा भारी हो जाएगा ना, शॉर्पनर तो बहुत हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कलर द हैवी ऑब्जेक्ट
विथ ग्रीन क्रेयॉन्स एंड लाइट ऑब्जेक्ट विथ रेड क्रेयॉन। मतलब जो हैबी है उसे हमें ग्रीन से कलर करना है और जो लाइट है उसे हमें रेड से कलर करना है। ओके, तो आप ये हैबी है तो आप इसे ग्रीन से कलर करोगे और ये लाइट है तो इसे रेड से कलर करोगे। इधर एक और पिक्चर है, पपाया है और पियर। यहाँ पे पपीता का है और यहाँ पे ये क्या है बना हुआ, पियर नाशपाती। तो ये दोनों फ्रूट में पपाया क्या है, हैबी है, एंड ये क्या है, लाइट है। ये भारी है और ये हल्का है वजन में अकॉर्डिंग टू वेट। ओके, तो इसे पपाया को क्या किस कलर से करेंगे, दिस इज हैबी तो हम इसे ग्रीन कलर से करेंगे। ओके, और ये लाइट वेट है तो इसे क्या करेंगे, रेड कलर से कलर करेंगे। ओके, तो आज के मैथ में बच्चों के लिए इतना ही। हालांकि आप लोग के पास बुक नहीं है बट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट और हैबी और लाइट को ध्यान देंगे। घर में बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बिग है कौन स्मॉल है, क्या टॉल है क्या शॉर्ट है, क्या हैबी है और क्या लाइट है। ओके, आज के लिए मैथ क्लास में इतना ही, थैंक यू।